साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना असा उड़ जाना चंज बैठी है बूहा मल के मैं परदे सन होना पल के साड़ी अज दी दिहाड़ी बबुल असा उड़ जाना असा उड़ जाना। मुआशरे में उन लोगों के लिए शादी करना मुश्किल होता जा रहा है जो मुआशी तौर पर कमज़ोर हैं और जहेज देने की इस्तेतात नहीं रखते। इन अफराद की सरपरस्ती करते हुए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने इज्तमाई शादी की तकरीब मुनाकिद की। तकरीब में रुकन कौमी असम्बली नसीर अहमद भुट्टा, रुकन सूबाई असम्बली समीना खावर हयात और हिदायतकार संगीता ने शिरकत की। तकरीब में 32 जोड़ों की शादी की रसूमात अदा की गयी, जबकि 2 मसीह जोड़ों की शादी की रसूमात पादरी गुलजार बरकत ने अदा की। इज्तमाई शादी में हर जोड़े को 1.25 लाख रुपए जहेज और सोने का लॉकेट दिया गया, जबकि निकाह की रस्म के बाद दुल्हनों को अहम शख्सियात की जानिब से तोहफे भी दिए गए। इज्तमाई शादी के बंधन में बंधने वाले अफराद ने मिनहाज फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुआशी तौर पर कमजोर अफराद की बावक्कार अंदाज में शादी से इनमें एतमाद पैदा होगा। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मेरी ये राय है कि ये तहरीक मिनहाज कुरान की जो महफिलें होती है, ये जो तकरीब होती है, ये अच्छी है। इस तरह गरीबों की मदद भी होती है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम पाती है। आजकल के माहौल में तो इंसान एक कटोरी नहीं खरीद सकता, तो लेकिन उन्होंने सब जहेज दिया है। हम इन्हें यही दुआ देते हैं कि मौला पांच तन पाक इन्हें बहुत दे और सबको ये दे। ये जो इज्तमाई शादियां हो रही हैं, ये यानी कि गरीब आवाम का भला हो रहा है, जो गरीब आवाम का भला हो रहा है और जो वालदैन अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपने औलाद के फर्ज से सबकदोश हो रहे हैं। तकरीब में शिरकत करने वाली अहम शख्सियात का कहना है कि इज्तमाई शादी के जरिए मुआशरे में मुस्बत रवैये को फ़रोग मिलेगा। हकूमत को चाहिए कि वो ऐसे अफराद की शादी की जिम्मेदारी खुद ले जो मुआशी तौर पर कमज़ोर हैं। मुआशी मसाइल ने लोगों का नातका बंद कर दिया है। महंगाई बेतहाशा है, लोगों की बच्चियाँ शादी बगैर शादी के बैठी हुई हैं, लोगों के बच्चे बगैर शादी के बैठे हुए हैं, उनके अंदर इतनी सख्त नहीं होती कि वो टाइमली उनकी शादियां कर सकें। बहैसियत लेजिस्लेटर मैं खुद इस पे इनिशिएटिव लूँगी, पंजाब असेंबली में इसके ऊपर कोई ऐसी रेजोल्यूशन लेकर आऊँगी कि गवर्नमेंट लेवल पे ये होना चाहिए। हमारे यहाँ शादी जो है वो एक बहुत कॉस्टली अफेयर है और जब तक कि आप ये कॉस्ट जो है वो उसको डिक्रीज़ नहीं करते, जो कि एक प्रोसेस है कॉस्ट डिक्रीज़ करने का, लाइक इन्होंने अगर 1.5 लाख रुपये का ये कह रहे हैं कि जहेज़ रखा है, इतना भी बनाना लोगों के लिए खासा मुश्किल काम है। इससे सोसाइटी में तब्दीली एक ये आ सकती है कि लोग कम खर्च पे शादियां करने की तरफ चले जाएं। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल रहीक अहमद अब्बासी का कहना है कि इज्तमाई शादी की तकरीब मुनाकिद करने का मकसद गरीब लोगों को इनके फराइज से सबकदोश करना है। माशरे में बेशुमार ऐसे ख़ानदान हैं कि जो वसाइल की कमी की वजह से जहेज की लानत जो माशरे में मौजूद है उसका बंदोबस्त न होने की वजह से और दीगर अखराजात का अहतमाम न होने की वजह से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते। तो एक तो डायरेक्ट इसका मकसद ये है कि उन बच्चियों की शादी के लिए हम अपना हिस्सा डालें, उन बच्चियों की शादी के लिए माशरे के हर फर्द को अपना हिस्सा डालना चाहिए, तो दिस इज़ वन वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड दैट कॉज। माशरे में ऐसी हजारों बेटियां हैं कि सुर्ख जोड़े के इंतजार में उनके सरों में चांदी उतर आई है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी बेटियों के सर पर हाथ रखे और गरीब वालदैन को फराइज से ओधा बरा होने में तआवुन करे। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ मोहम्मद अकमल सोमरो, सिटी 42।